बलूचिस्तान में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। अगला वजीर आला बलूचिस्तान जियाला होगा। पीपल्स पार्टी जानती है बलूचिस्तान के हकूक कैसे देने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई कमी खिताब। इस मौके पर साबिक वजीर आला सनाउल्ला जहरी और अब्दुल कादिर बलोच ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सबकी नजरें बलूचिस्तान के मसाइल पर और वसाइल पर हैं। बलूचिस्तान के हकूक पर नजर रखें, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बलूचिस्तान को हुकूक दिला सकती है। सरदार सनाउल्ला जहरी और अब्दुल कादिर बलोच को पार्टी में खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारा साथ देते तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में अवामी हुकूमत बनाएंगे। तब्दीली सरकार का असल चेहरा सब ने देख लिया है। तब्दीली सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। खास तौर पे जनरल कादिर बलोच साहब को और सरदार सनाउल्ला जहरी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। हम एक दूसरे को ताकत देंगे इंशाल्लाह ताला। हम शाना बशाना रह के मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और पूरा बलोचिस्तान में कायदे आवाम का और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फाल भी करेंगे, ताकतवर भी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में मगर खास तौर पे यहाँ बलोचिस्तान में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम जियाला वजीर आला मुंतखब करके दिखाएंगे। सबके नजरें आपके हुकूक पे हैं, आपके मसाइल पे हैं और अगर आप हमारे साथ देते हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ता नहीं रोक सकेगा।